بسم الله الرحمن الرحيم। बच्चों आज हम लोग क्लास दो यानी दर्जा दो का मैथ्स पढ़ेंगे यानी हिसाब पढ़ेंगे और इसमें है ना जर्ब का निशान लगा कर लिखें यानी कि गुना करके लिखना है। तो बच्चों आप बहुत दिन से इस ऑनलाइन का क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप बखूबी जान रहे हैं कि इस लॉकडाउन में भी इसका क्लास कंटिन्यू होता जा रहा है हमारे चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी के गाइडेंस में। तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। तो देखिए जर का मतलब होता है गुना। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हमने दी है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, ये सवालात हैं, ठीक है। इसको हम जर के हिसाब से कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें हम आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बताते हैं कि इसमें जो भी नंबर्स होते हैं यानी जो भी अदाद होते हैं उसको क्या किया जाता है कि काउंट किया जाता है यानी गिना जाता है। गिनने के बाद वो जितने आएंगे उसको उससे गुना कर दिया जाता है। तो मिसाल के तौर पे देखिए यहाँ पे पहले हमने क्या कहा कि जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए गिनते हैं, क्या करते हैं, गिनते हैं। तो कितना है, एक दो तीन चार पाँच, यानी दो का कितना शक्ल है, दो का कितना शक्ल है, दो का शक्ल कितना है पांच, तो ये कितना हो जाएगा दस। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको देखें इधर एक दो तीन चार पांच, अगर हम इसको जोड़ के देखते हैं, अगर हम इसको जोड़ के देखते हैं तो कितना हो जाता है, दो दो चार दो छह दो आठ दो दस। तो कहने का मतलब है जर्ब के हिसाब से जब जाएंगे यानी मल्टीप्लाई के हिसाब से जब जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, बनाएंगे। इसी तरह ये भी बच्चों देखते हैं, काउंट कीजिए, गिनिए, एक दो तीन चार पांच छ, क्या करेंगे, छ गुना तीन या तीन गुना छ। हम इस नंबर को यानी कि जो छ है वो पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि पहले ही लिखना है मतलब और बाद में लिखना है, ये आप पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला। अगर हम पांच को पहले लिख देंगे दो को बाद में लिख देंगे तब भी दस आएगा, और छह को पहले लिख देंगे तीन को बाद में लिखेंगे तब भी आपको क्या होगा, अठारह आ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया, अठारह। अब इसको आप जोड़िएगा तो तीन दूनी छह, छह छह या तीन नौ, नौ तीन बारह, बारह तीन पंद्रह, पंद्रह तीन अठारह। इसी तरह बच्चों यहाँ पे देखिए कितना है, एक दो तीन चार, तो क्या करेंगे, चार लिखेंगे गुना कितना है, एक दो तीन चार, इसको भी क्या करेंगे चार कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, आप देखिए इसको हम सोलह कर देंगे यानी एक चार दूनी आठ, आठ और चार बारह, बारह चार सोलह, तो सोलह हो गई। अब यहाँ पे देखिए कितना है, एक दो तीन, तो क्या करेंगे, तीन गुना कितना, तीन गुना कितना पांच। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है कि हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक दो तीन यानी पांच का कितना शक्ल है, तीन शक्ल है ना, तो तीन को मतलब तीन शक्ल है, तीन बार आया है पांच, तो हमने क्या किया कि पांच को तीन बार लिख दिया यानी कि मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दी यानी जर्ब की शक्ल में लिख दी, तो कितना हो जाएगा पांच से पंद्रह। और इसको आप ऐड करते हैं, जब जोड़ते हैं तो कितना होता है, पांच दस और पांच पंद्रह। इसी तरह अगर हम इसको देखेंगे तो ये देखिए कितना है, एक दो तीन चार पांच छ सात, कितना है टोटल, फिर से देखते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात, तो ये कितना हो गया सात, और ये मल्टीप्लाई का साइन जाएगा ही जाएगा, ये हो गया कितना दस। तो कहने का मतलब इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा सत्तर। तो कहने का मतलब है बच्चों कि जब हम इस तरह से देखते हैं यानी इस सवालात को जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इस तरह से अगर दी गई है कोई चीज और जर्ब के हिसाब से बनाना है तो ये सीक्वेंस हो सकता है, ये तरीका हो सकता है। तो बच्चों इसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आप में आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो या कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका तसफ्फी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।